अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डी गोट फार्म। तो आज डी गोट फार्म की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जमुनापारी बताएंगे। ये हमारे फार्म का एक पुराने बकरों में से एक बकरा है। ये हमारे दानिश भाई है। अस्सलाम वालेकुम। इनका भी नाम दानिश है, मेरा भी नाम दानिश है इत्तेफाकन, और माशाल्लाह दोनों दानिश की अच्छी जमी। तो ये बकरा दानिश भाई का है। ये साल की बकरा ईद से पहले वाली बकरा ईद के बाद, मतलब लगभग इसको 17 महीने हो गए अपने फार्म पे। ये बकरा दानिश भाई ने अयाज भाई से ख़रीदे थे। अयाज भाई हमारे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, नेरोल में रहते। उनके भी कुछ बकरे मेरे पास पलाई पे थे और वो साइड बाई साइड ट्रेडिंग भी करते थे कुछ बकरों की। तो अयाज भाई ने कुछ बच्चों का लॉट लाए थे बेचने के लिए, हमारे फार्म पे रखे थे। तो 8-10 बच्चे थे उसमें से, जो काफ़ी बच्चे बिक के कहीं बाहर गए, और माशाल्लाह उसमें से 4-5 बच्चे हमारे फार्म पे पलाई पे आए। तो ये बच्चा दानिश भाई ने अयाज भाई से जब ख़रीदे और अपने ही फार्म पे माशाल्लाह पलाई पे भी रखे, उनको हमारे फार्म पे कोई चीज़ें अच्छी लगी तो माशाल्लाह उन्होंने अपने आप पर कंटिन्यू किए इसको। जब ये बच्चा लिए थे ये 6 महीने का था, 6 महीने का था करीब, आपको डिटेल्स मिली थी। कितना वज़न पे था ये? ये था 26 kg। 26 किलो पे ये बच्चा था माशाल्लाह। और आज इसका हम लोगों ने वज़न किए, दानिश भाई बताए कि क्या वेट आया इसका। अभी इसका करंट वेट है 83.5। 83 kg 500 ग्राम। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, 17 महीने में बच्चा 26 किलो से 83 केजी का सफ़र तय किया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फार्म पे सेट था। और स्टार्टिंग से ही बच्चा माशाल्लाह हेल्थी रहा है, काफ़ी एग्रेसिव, जैसे जमुनापारी भी एग्रेसिव रहते हैं कोटा की तरह, तो एग्रेसिव मस्ती वगैरह आपने इसका स्लो मोशन का वीडियो देखा, माशाल्लाह काफ़ी मस्ती करता है, काफ़ी एग्रेसिव है। और ये बचपन से अपने फार्म पे सेट है, कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अपने को अच्छा खासा वक्त गुजारा इसने। आज हम लोगों ने इसका वीडियो इसलिए बनाया कि जैसे मैं बताया कि अपने फार्म पे जितने बकरे पलाई पे है, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बकरों की वीडियो बन जाए। तो इंशाल्लाह अब हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे हमारे हर एक बकरे की वीडियो आएगी और हमारे हर एक क्लाइंट की वीडियो आएगी। और क्या होता है कि क्लाइंट तो मुझे बोलने नहीं अच्छा लगता, ना कस्टमर बोलने अच्छा लगता है। क्या होता है, कुछ वक्त गुजरता है एक रिलेशन में तो एक दोस्ती हो जाती है, एक रिलेशन बन जाता है। तो वैसे ही दानिश भाई से स्टार्टिंग में हम लोगों की एक शुरुआत हुई, बकरे पलाई पे रखे और वो फिर रेगुलर आने लगे फार्म पे हर महीने में। ज़्यादा दूर भी नहीं रहते भाई, तलोजा में ही रहते, तो इनको नज़दीक भी पड़ता है अपना फार्म, इस वजह से अपने फार्म पे रखे। तो आते रहते थे, दोस्ती हो गई, एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो माशाल्लाह कभी उन्होंने कोई चीज़ की हमसे शिकायत नहीं किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी कोई शिकायत का उनको मौका नहीं दिए। तो अच्छा रिज़ल्ट मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग मिलने की वजह से आज हमारा फार्म यहाँ तक पहुँचा है। तो होता क्या है कि फार्म, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ एक तरफ ठीक है, लेकिन कस्टमर्स जिनको अच्छे मिलते हैं ना, उनका फार्म चलता है। तो वैसे अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े मेरे साथ, तो आज मैं ये मुकाम तक पहुँचा हूँ। कुछ बात करेंगे दानिश भाई से कि उनको क्या फ़र्क लगा बकरे में और क्या चीज़ है कि बताए। अस्सलाम वालेकुम। दानिश भाई कैसा लगा रिजल्ट आपको अपने फार्म? रिजल्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि 17 मंथ्स में 26 केजी से 83.5 तक है आना, और मतलब मुझे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। और फार्म की ख़ास बात मुझे ये लगी कि मतलब जो हमारे दानिश भाई है, ये मंथ एंड में एक वीडियो बनाते हैं और वो हर एक कस्टमर्स को फॉरवर्ड करते हैं। और कैसा है कि बकरा बहुत क्लीन रहता है हमेशा, मैं जब भी विज़िट करता हूँ तो बकरा मुझे हमेशा क्लीन ही मिलता है। तो थैंक यू दानिश भाई उस चीज़ के लिए और तुम्हारे प्यार के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ये मोहब्बत हमेशा बरकरार रखे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो चलते रहेगा, बकरे भी आएंगे जाएंगे, सब कुछ रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ये मोहब्बत बरकरार रखे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे ये दानिश भाई ने बताया क्लीनिनेस की बात, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मुझे वाइल्ड बकरों का पहले से बहुत शौक है। मैं पर्सनली अपने बकरे भी जब पालता था तो मैं ज़्यादातर वाइल्ड बकरे ही पालता था, मुझे वाइल्ड बकरों से काफ़ी लगाव था। और वाइल्ड बकरा अगर पाल रहे हो और उसको साफ़ नहीं रखे तो वाइल्ड बकरा ख़रीद के कोई फ़ायदा नहीं है। जमुनापारी वगैरह वाइट होते हैं, सानन वाइट होते हैं, कोटे में भी वाइट आते, तो मैं ज़्यादातर वाइट बकरे प्रेफर करता हूँ। सोजत पतीरे भी मेरे पास बहुत वाइट है। जब मैं खुद पलाई पे बकरे देता था, खुद के बकरे जब मेरा फार्म नहीं था, तो माशाल्लाह बकरे मैंने जहाँ जहाँ भी दिया बकरों का रिज़ल्ट अच्छा मिलता था। बट थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं सफाई को लेके शुरुआत से बहुत वो हूँ कि बकरा अगर मैं पाल रहा हूँ तो बकरा पाला हुआ बकरा लगना चाहिए,
बकरा गंदा रहेगा तो वो मंडी का बकरा लगता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो बकरा पाल के। वज़न सेकेंड पार्ट है जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, लेकिन साफ़ सफाई ज़रूरी है। ये बकरे में अगर जूम करके भाई बताओ कि इसमें अगर एक भी इसका बाल पीला कहीं से नज़र आ रहा होगा, या इसके बाल पे कहीं लेंडी मिनकी या कालापन पेशाब का पीलापन कहीं पर भी नहीं है, तो ये हमारे फार्म की खासियत है और इंशाल्लाह हम लोग इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। फार्म को हाईटेक तो बनाएंगे धीरे धीरे करके, अल्लाह नवाजेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारा फार्म भी बनता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बकरे बनाना हमारा मेन मोटिव है, फार्म तो हमेशा बनता रहेगा धीरे धीरे करके, लेकिन बकरे बनाना और बकरों को साफ़ सुथरा रखना मेन मोटिव है। होता क्या है, जैसे अब दानिश भाई भी है, ये जब भी आते अपने बकरे को प्यार करते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह उसको अपने बच्चे की तरह हमेशा प्यार करते। अगर ये बकरे के चेहरे पे पेशाब होगी, इसके बदन पे पेशाब लगी रहेगी, क्या इनका मन होगा कि उसको मैं गले लगाऊँ या उसको चूमूँ? नहीं होगा ऑब्वियसली। तो साफ़ सफाई रखने का रीज़न हमारा ये है बकरों पे कि बकरा जब कस्टमर आते हैं और अपने बकरे को लाड़ प्यार करते हैं तो उनको बकरा साफ़ सुथरा मिलेगा तो ही वो लाड़ प्यार करेंगे, वरना वो आएंगे अपना बकरा देखेंगे और चले जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह, और बहुत सारी कमियाँ भी है हमारे में। हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग बहुत बड़े तुर्रम खान हैं जैसे सब बोलते, बहुत सारी कमियां हैं हम लोगों में, कमी किसमें नहीं होती, इंसान है। तो धीरे धीरे करके हम हमारी हर कमी को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम लोग और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो दानिश भाई अपना इसका क्या इरादा है, ये बकरे का कुर्बानी का इरादा है? ये सवाल मैं शायद फ़र्स्ट टाइम उनसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बकरा जब से आया, जब से पल रहा है, दानिश भाई हर महीने पलाई भेजते, वीडियोज़ आती है, वो आते मिलते हैं, माशाल्लाह यही चलता है, कभी मैंने इनसे पूछा नहीं, आज ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये बकरे का अपना मेन इरादा क्या है? ये भाई मेरा इरादा ऐसा है कि अभी इसको सेल करने का। अच्छा, सेल करने का रीज़न दानिश भाई? बकरा तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है आपका। बहुत अच्छा तैयार हुआ है जी, बट ऐसे ही मुझे वो है अभी वही इंटेंशन से पाले थे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं स्टार्ट में सोचा था कि मैं बकरा ईद के टाइम पे उसको सेल करूँगा। अच्छा, बट अभी मुझे उसको सेल ही करना है। अच्छा, ऐसा क्या है कि मैंने बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट ऐसे हैं जिनका शौक़ से बकरे पालते, जो ठीक है कुर्बानी के लिए कोई पालता है, कोई लोग शौक़ के लिए पालते हैं कि भाई मैंने एक बच्चा ख़रीदा था, वो पाला एक साल, वो बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसकी कीमत भी अब बड़ी हो गई, तो जो उसकी जायज़ कीमत आएगी इंशाल्लाह ताला हम उसको बेच के फिर छोटे बकरे लेके कुर्बानी करेंगे। ऐसे इरादे रहते हैं लोगों के और उनका शौक़ पूरा करना था उनको, इसलिए अब एक बकरे में वो करोड़ों रुपया तो नहीं कमाएंगे और ना ही उनका वो बिज़नेस है, ठीक है, वो शौक़ से पाले उन्होंने, उसमें इतनी लागत लगाए, हर महीने पलाई दिए, तो अब ऐसा है कि उनके हिसाब का अगर उनको पेमेंट मिलेगा तो वो बेचेंगे, वरना फिर कुर्बानी ऑप्शन है ना। हाँ, तो वैसा इरादा है। अगर किसी भाई को बकरा पसंद है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बकरा है, बहुत खूबसूरत बकरा है, और अभी 6 दांत पे इसकी परफेक्ट डिटेल मैं आपको बता दूँ, 6 दांत अभी लगाया है इसने, 38-39 इंच हाइट है, एग्जैक्ट माप के हम लोग कस्टमर को बता देंगे, और 83 kg इसका लाइव वेट है सेल्फ फिटिंग। अगर किसी भाई को नेक्स्ट ईयर के लिए बकरा लेना है या इसी साल के लिए कुर्बानी के लिए लेना है तो वन ऑफ़ द बेस्ट ऑप्शन है। यही जमुनापारी आप अगर जंगल से मंगवाते हो तो पहले तो इतना साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा, वो जंगल से आएगा तो पूरा गंदा ही आएगा। दूसरी चीज़, जमुनापारी, हंसा, मेवाती, ये सारी ब्रीड जल्दी बॉम्बे के क्लाइमेट में सेट होती नहीं है, ये बचपन से पले हुए है इस वजह से सेट है, और कुर्बानी में भी इंशाल्लाह और हेल्थी हो जाएगा मेरे हिसाब से, 90-92 kg तक चला जाएगा। तो जिस भाई को भी लेना है, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, दानिश भाई का नंबर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं, और बकरे को ध्यान से देख लो, बहुत अच्छा बड़ा बकरा है कुर्बानी के लिए, या नेक्स्ट ईयर के लिए किसी को चाहिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए लेके रखें, क्योंकि अब इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, 6 ही दांत पे है और बकरे में जगह बहुत है दीदी। तो अगले साल के लिए अगर कोई रखेगा तो माशाल्लाह 120-130 किलो भी जाने की इसकी कैपेसिटी है, बिकॉज़ इसके पैर वगैरह भी बहुत अच्छे। तो इंशाल्लाह जैसे भी रहेगा आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं इंशाल्लाह भाई का नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है वो आप लोगों को बता देंगे, और फिर लेके आप मेरे यहाँ कंटिन्यू रखना है मेरे यहाँ रख सकते हैं, या आपको जहाँ सही लगे वहाँ रख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और भी कुछ बकरे बताए गए, और अब इंशाल्लाह और फटाफट थोड़े बकरे बताते जाएंगे हम लोग हर रोज़। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो, ताकि बकरा ईद का जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को अच्छे बकरे मिले और हमें अच्छा बिज़नेस मिले। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।